दोस्तों, क्या आपके फोन का स्टोरेज बार बार फुल हो जाता है? आपने अपने फोन में ज्यादा फोटोज वीडियोज वगैरह नहीं रखा है, फिर भी दिखा रहा है आपके फोन का स्टोरेज फुल हो गया है। तो आज मैं आपको दोस्तों कुछ ऐसी सेटिंग बताने जा रहा हूँ जिसे अगर आप अपने फोन में अप्लाई कर लेते हो तो मैं लिख के देता हूँ दोस्तों, आपके फोन का स्टोरेज कभी भी फुल नहीं होगा। कितना भी आप मूवी डाउनलोड कर लो, कितना भी गेम डाउनलोड कर लो, कितना भी कुछ अपने फोन में रख लो, फिर भी दोस्तों आपके फोन का जो स्टोरेज है वो फ्री रहेगा। आज जो सेटिंग बताऊंगा वो बिल्कुल हटके है, जिसके बारे में दोस्तों कोई भी नहीं जानता। ना कुछ आपको डाउनलोड करना है, ना ही कुछ दोस्तों आपको डिलीट करना है, फिर भी दोस्तों आपके फोन का जो स्टोरेज है वो पूरा का पूरा खाली हो जाएगा। उसके लिए बस आप इस वीडियो को लाइक कर दो एंड कंटिन्यू गाइस इस वीडियो को देखते रहो। तो आइए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कौन कौन सी सेटिंग करने के बाद आपके फोन का जो स्टोरेज हो पूरा खाली हो जाएगा, उसके बाद कभी भी दोबारा फुल नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, अपने फोन का फाइल मैनेजर ओपन कर लेना है। यहाँ पे इस वीडियो में गाइस मैं आपको 3 से 4 इंपॉर्टेंट सेटिंग बताऊंगा, ठीक है? तो सभी चीजें आपको ध्यान से देख कर जाना है। ये नहीं कि आपने स्टार्टिंग के 1-2 देख लिया, बाकी नहीं देखा तो दोस्तों आपके फोन का स्टोरेज खाली नहीं होगा। पहले ही मैं बता दूं, सभी सेटिंग अगर आप देख के जाओगे, अपने फोन में अप्लाई करोगे, तभी जाके दोस्तों आपके फोन का स्टोरेज परमानेंटली फ्री हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको अपने फोन का फाइल मैनेजर ओपन कर लेना है, ठीक है? इसे ओपन करने के बाद दोस्तों आपको यहां पर ये जो 3 लाइन दिए गए हैं इसके ऊपर क्लिक करना है। अब आपको आ जाना है सेटिंग के अंदर। सेटिंग में दोस्तों यहां पर दिया गया है शो हिडन फाइल्स, आप यहां पर देख सकते हो। तो ये बंद रहता है तो इसे आपको ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद दोस्तों वापस से आपको बैक जाना है। अब दोस्तों आपको आ जाना है फाइल्स वाले सेक्शन में। अब यहां पर दोस्तों आपके फोन में जो हिडन फाइल्स थी वो भी आपको यहां पर दिखाई जाएंगी। अब आपको करना क्या है, जिन फाइल्स के आगे यहां पर 00 लिखा हुआ है ना गाइस, तो उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि यहां पर आप देख लीजिए, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, आपको मतलब कि सेलेक्ट कर लेना है जिसमें दोस्तों कुछ भी नहीं है। ये हो गया, उसके बाद ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, मतलब कि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसमें दिखा रहा है दोस्तों 0 आइटम, देख सकते हो, मतलब कि इसके अंदर कुछ नहीं है। ऐसे यहाँ पर कई फाइल्स है दोस्तों आपके फोन में, हो सकता है मेरे फोन से कई गुना ज्यादा फाइल्स हो, तो उन सबको दोस्तों आपको सेलेक्ट करना है, क्योंकि ये फाइल बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाती है तो इसके अंदर दोस्तों वायरस एंड बोल सकते हो बहुत सारे फालतू कैश वगैरह जमा हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे फोन में बोल सकते हो स्टोरेज की दिक्कत होनी शुरू हो जाती है। तो आपको ऐसे ही फाइल को सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर बहुत फाइल्स हैं तो आपको एग्जांपल के लिए मैंने बता दिया, यहाँ पर आप देख लीजिए मैंने कुछ सेलेक्ट किया है। उसके बाद आपको इसे तुरंत के तुरंत अपने फोन से डिलीट कर देना है, ठीक है? ये हिडन फाइल होते हैं जो यहाँ पर सामने नहीं दिखाई देते, उसके लिए आपको एक सेटिंग करके ऑन करना पड़ता है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। तो ऐसा करके सबसे पहले आप अपने फोन के जो हिडन फाइल्स है उसे डिलीट कर दो, पहला काम आपको यही करना है। अब दोस्तों बात करते हैं दूसरी सेटिंग के बारे में। तो दूसरी सेटिंग दोस्तों आपको मिल जाएगी प्ले स्टोर के अंदर। प्ले स्टोर से ही कोई बड़ा गेम, कोई बड़ा एप्लीकेशन आप डाउनलोड करते हो, लेकिन आप शायद भूल जाते हो दोस्तों कि आपके फोन के प्ले स्टोर ने बहुत ज्यादा आपके फोन का स्टोरेज ले रखा है। कैसे, मैं आपको दिखाता हूं, देखकर आप खुद चौंक जाओगे। सिंपली आपको प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है? प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको आ जाना है मैनेज एप्स के ऊपर, यहाँ पर आप देख लीजिए। अब यहाँ पर दोस्तों आपको करना क्या है, मैनेज के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपके फ़ोन के सभी इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन देखने को मिलेंगे जो आपके फ़ोन में इंस्टॉल्ड है, लेकिन अगर आप इसके ऊपर क्लिक करोगे और यहाँ पर दोस्तों आप नॉट इंस्टॉल्ड सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पर दोस्तों आपको और भी एप्लीकेशन देखने को मिलेंगे जो आपके फ़ोन में इंस्टॉल्ड नहीं है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है, आप यहाँ पर देख लीजिए ये सभी जो एप्लीकेशन है दोस्तों ये आपके फ़ोन में इंस्टॉल्ड नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर दोस्तों आपके फोन का जो स्टोरेज है वो इन्होंने ले रखा है, देख रहे हो? तो आपको करना क्या है, इन सभी को दोस्तों ऐसे सेलेक्ट कर लेना है, जैसे कि यहां पर आप देख लीजिए ऐसे ऐसे करके आपको यहां पर सेलेक्ट कर लेना है। एक भी एप्लीकेशन को यहां पर आपको नहीं छोड़ना है। यहां पर तो आपको मतलब कि इतने एप्लीकेशन देखने को मिल जाएंगे, जब से आपने फोन लिया है तब से जितने भी एप्लीकेशन आपने डाउनलोड किया है ना वो सब दोस्तों आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगे। जैसा कि आप यहां पर देख सकते हो बड़े से बड़े गेम भी यहां पर आपको देखने को मिलेंगे जिसे आपने डिलीट कर दिया था। ऐसे ही आपको यहां पर सभी सेलेक्ट कर लेना है, आप यहां पर खुद ही देख सकते हो भाई इतने एप्लीकेशन है कि सबको सेलेक्ट करने लगूंगा तो वीडियो 2 घंटे की हो जाएगी। तो यहां पर आपको अपने हिसाब से सेलेक्ट करना है, ठीक है? उसके बाद यहां पर दिखाया जाएगा कि आपके फोन का स्टोरेज कितना फ्री होगा, उसके बाद आपको यहां पर डिलीट कर देना है। डिलीट करने का यहां पर ऑप्शन दिया है, इसके ऊपर क्लिक करना है, रिमूव कर देना है, यहां से हटा देना है। हटाने के बाद दोस्तों आपके फोन का जो स्टोरेज है वो भी फ्री हो जाएगा, उसके साथ साथ आपके फोन में जो हैंग प्रॉब्लम होता है वो
भी नहीं होने वाला। तो ये सेकंड चीज दोस्तों आपको अपने प्ले स्टोर के अंदर करना है, उसके बाद आपको होम पे आ जाना है। अब दोस्तों आपको तीसरी सेटिंग करनी है अपने फोन के मेन सेटिंग के अंदर। तो आपको मेन सेटिंग ओपन कर लेना है, नीचे आपको दिखने को मिलेगा एडिशनल सेटिंग, इसे ओपन कर लीजिए। अब आपको जाना है डेवलपर ऑप्शन के अंदर। अब यहाँ पर दोस्तों एकदम आपको नीचे आना है, नीचे एक इंपॉर्टेंट सेटिंग आपको देखने को मिल जाती है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख लीजिए, ये है फोर्स अलाउ एप्स टू राइट ऑन एक्सटर्नल, ये सेटिंग आपको ऑन कर देना है। ये सेटिंग सभी के फोन में मिल जाएगा, आपको इसे ऑन करना है। इसका ऑन करने का फायदा होगा दोस्तों कि आपके फोन में कम स्टोरेज है और आपने कोई मेमोरी कार्ड लगा रखा है, तो ऐसे में जो भी एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर से या फिर कहीं से भी डाउनलोड करोगे तो वो एप्लीकेशन दोस्तों आपके इंटरनल यानी कि फोन के स्टोरेज में डाउनलोड नहीं होगा, जो आपने मेमोरी कार्ड लगा रखा है बाहर से उसमें दोस्तों इंस्टॉल होगा। तो ऐसे में दोस्तों आपके फोन का इंटरनल स्टोरेज हमेशा फ्री रहेगा, जिससे आपके फोन का स्टोरेज भी फ्री रहेगा और फोन भी हैंग नहीं करेगा। तो आप समझ सकते हो ये सेटिंग कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसे यहां पर आके आपको ऑन कर लेना है, ठीक है। ये तीसरे नंबर की सेटिंग है जो सबके फोन में मिल जाएगी। अब दोस्तों बात करते हैं चौथे नंबर की सेटिंग की, जो कि वापस से दोस्तों आपको इसी सेटिंग के अंदर मिल जाता है। सेटिंग को ओपन कर लेना है, उसके बाद दोस्तों यहां पर आपको सर्च करना है स्टोरेज, ठीक है। यहां पर आप देख लीजिए, जैसे आप यहाँ पर स्टोरेज लिखोगे आपके फोन का जो स्टोरेज सेटिंग है वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो आपको इसे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको फ्री अप दिया गया है, जैसा कि आप देख सकते हो। इसके ऊपर क्लिक करते हैं दोस्तों मेरे फोन में जैसे कि 1.6 GB तुरंत फ्री हो जाएगा। आपके फोन में हो सकता है 10 GB 12 GB ज्यादा ही फ्री हो सकता है ना, तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये थोड़ा सा लोडिंग होगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो। अब लगभग दोस्तों यहाँ पर 2 GB तक का जो फालतू डाटा है वो यहाँ पर हमारे फोन में जमा हो गया है, जिसे आप एक प्रकार से कचरा भी कह सकते हो। ये आपके फोन में जमा हो गया है, इसे आपको डिलीट करना है। तो ये अभी फिलहाल स्कैनिंग हो रहा है, तो आपको इसे होने देना है। जब तक ये कंप्लीट नहीं होता तब तक आपको डिलीट नहीं करना है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए सब कुछ कंप्लीट हो गया है। अब आपको क्लीन अप के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करते ही आपके फोन में लगभग 2 GB तुरंत फ्री हो जाएगा, आप यहाँ पर खुद देख सकते हो। फाइनली हमारे फोन में कितना फ्री हो गया, 2 GB तुरंत फ्री हो गया। हमने कुछ भी डिलीट नहीं किया, कुछ भी फोटो डिलीट नहीं किया, कुछ भी वीडियो डिलीट नहीं किया, ना कोई ऐप डिलीट किया, फिर भी हमारे फोन में इतना ज्यादा स्टोरेज फ्री हो गया। तो ऐसे ही दोस्तों आपको करना है। उसके साथ साथ अगर आप डीप क्लीन करना चाहते हो तो आपके फोन में कई ऐसे फालतू की चीजें हैं जिसे दोस्तों आप यहाँ पर आके डिलीट कर सकते हो। जैसे कि इसके ऊपर आप क्लिक करोगे, यहाँ पर कई फालतू की वीडियोज वगैरह आपको देखने को मिल जाएंगी, जो आपके फोन की बहुत ज्यादा स्टोरेज ले रखी है, जिसे आप अगर यूज नहीं करते, जो वीडियो फालतू की है, तो उसे यहां से हटा सकते हो, डिलीट कर सकते हो, जिससे आपके फोन का स्टोरेज दोस्तों और ज्यादा फ्री हो जाएगा, समझ रहे हो। तो ये सभी दोस्तों आपको सेटिंग करनी है। टोटल मैंने आपको यहां पर 4 सेटिंग बताई है। ये 4 सेटिंग करने के बाद मैं गारंटी देता हूं दोस्तों आपके फोन का जो स्टोरेज है वो लाइफ में कभी फुल नहीं होगा, अगर आप ये सेटिंग हर हफ्ते में दोहराते रहोगे, यानी कि चेक करते रहोगे कहीं कोई बग्स तो नहीं आया है, उसे डिलीट कर दो, तो डेफिनेटली दोस्तों आपके फोन का जो स्टोरेज है कभी भी फुल नहीं होगा। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।